हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टोर। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वेगा का ये कर्लर जो आपको इंस्टेंट कर्ली हेयर देगी। एंड इसमें बहुत सारी ऐसी फीचर्स है जिससे आपकी हेयर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छी कर्ली हेयर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसे यूज करना है एंड इसके फीचर्स वगैरह। सो गाइज, ये जो हेयर कर्लर है इसकी आउटर पैकेजिंग इस तरह की है एंड प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है गाइज। इसमें आपको जो कॉर्ड मिलेगी ये काफी लंबी है एंड 360 डिग्री स्विवल कॉर्ड है ये। इसमें आपको 2 इयर्स वारंटी मिलेगी। इसमें आपको इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर लाइट भी मिलेगी। ऑल्सो आप इसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो बैरल की डायमीटर है गाइज 19 mm, जिससे आपको बहुत ही अच्छी कर्ल्स मिलेगी। इसमें आपको इस तरह की क्लैंप मिलेगी, स्टैंड भी मिलेगी, जिससे आप हेयर कर्लिंग टाइम कहीं पर भी इसे प्लेस कर सकते हैं विद दिस स्टैंड। एंड इसकी जो कोटिंग है ना गाइस, क्रोम प्लेट्स है एंड विद सिरेमिक कोटिंग है ये। तो अभी मैं आपको इसे कर्ल करके दिखाऊंगी हेयर को। आप देख सकते हैं मेरी हेयर जो है नेचुरली स्ट्रेट है। पहले मैं वन साइड आपको कर्ल करके दिखाती हूँ। कर्ल करने से पहले ऑब्वियसली हेयर पर कोई भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे अप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल या फिर सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी हेयर पर इस तरह से अप्लाई करने के बाद आपको पीछे से छोटी छोटी सेक्शंस लेना है एंड इस तरह से ना हेयर को ये जो टोंग है इसमें आपको क्लैंप से अटैच करना है। उसके बाद आपको रोल करते हुए हेयर को ऊपर तक ले जाना है। नाउ आप जितना हेयर रोल, जितना हेयर कर्ल करना चाहते हैं उतना हेयर को रोल कीजिए। अगर आप हेयर की जो रूट्स है उसके आसपास तक हेयर को कर्ल करना चाहें तो आपको उतना ज्यादा ले जाना होगा। बट मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ तो इस तरह से ले जाऊंगी एंड इसे इस तरह से आपको होल्ड करके रखना है फॉर 15 to 20 seconds मैक्सिमम। उसके बाद हेयर को इस तरह से आपको छोड़ देना है। ये देखिए ये कितनी अच्छी से कर्ल हो गई। अगर आप चाहते हो कि आपकी हेयर, आप बस एंड हेयर की एंड तक कर्ल करना चाहते हो तो आपको ना ज्यादा हेयर को रोल करना नहीं है, बस थोड़ा सा हेयर लीजिए एंड इस तरह से रोल करते हुए रख दीजिए। इसके बाद 15 से 20 सेकंड छोड़ के इसे निकाल लीजिए तो देखिए आपकी जस्ट हेयर की एंड कर्ल होगी। तो आप इसी तरह से छोटी छोटी सेक्शंस लेंगे एंड पूरी हेयर को कर्ल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी हाफ ऑफ हेयर मैंने कर्ल कर लिया। अभी आप डिफरेंसेस देखिए दोनों साइड में। एक साइड पूरा स्ट्रेट है नेचुरल हेयर मेरी एंड इस तरफ मैंने कर्ल कर लिया। तो अभी मैं पूरी हेयर को कर्ल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इसकी कर्ल जो है ना बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे इस तरह की कर्ली हेयर बहुत पसंद है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यही कर्ली हेयर पसंद करते हैं एंड ये स्टे भी करती है, आपकी नेक्स्ट हेयर वॉश तक स्टे करेगी। अगर आप हेयर पर हेयर सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लेते हो ना तो ये कर्ल 3 से 4 दिन स्टे करेगी एंड आपकी हेयर को ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी गाइस, बिकॉज इसकी प्लेट्स जो है, इसकी टोंग जो है सिरेमिक कोटेड है, तो आपकी हेयर को ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी। सो ये हर तरफ से काफ़ी बेनिफिशियल है गाइस एंड काफ़ी अच्छी भी है। अगर आप इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे।